नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र से आ रही है। बहेरी थाना क्षेत्र के रहने वाले मखनाहा गांव निवासी, यहां पर इनके साथ जो है धोखाधड़ी से 50,000 रुपए की निकासी उनके एटीएम से की गई है। इसका मामला अशोक पेपर मिल थाना में दर्ज हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जब हम उनके गांव मखनाहा पहुंचे तो उन्होंने पूरा मामला बताया है। बताया जा रहा है कि सुरहाचट्टी एसबीआई बैंक के एटीएम में जब पैसा निकाल रहा था यह व्यक्ति, उसी समय एक व्यक्ति पहुंचा और उन्होंने कहा कि आप मास्क नहीं पहने हैं, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, परिवार के लोगों को बुला कर लाए, एटीएम मोबाइल छीन लिया, एटीएम से पैसा निकाल लिया। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए की निकासी सोना चांदी जो किया है वो लहरिया सराय के किसी यहां पर स्वर्ण व्यवसायी के यहां किया है। और ये बड़ी खबर आ रही है, खासकर जो मखनाहा निवासी है यहां पर कमलेश कुमार शाह ने एपीएम थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से रुपए निकासी करने आए थे, एटीएम के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति बाहर खड़ा था, ऐसा यहां पर कमलेश कुमार ने बताया है। व्यक्ति जो पहले से खड़ा था देखने में लंबा था, जब हम अपना एटीएम कार्ड से 10,000 रुपए की निकासी कर लिए उसके बाद पहले से खड़ा व्यक्ति हमको डांटने लगा और बोला कि तुम कैसे एटीएम से पैसा निकाल लिया रे, एक बैंक का ऑफिसर हूं, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है, और बोलने लगा कि तुम मास्क लगाकर क्यों नहीं आया रे। उसके बाद उक्त व्यक्ति मेरा मोबाइल एवं एटीएम कार्ड ले लिया और बोला कि तुम अपना अभिभावक को बुला कर लाओ, माँ बाप को बुला कर लाओ, तब तुमको एटीएम मोबाइल देंगे। इसके बाद जो लड़का था वो चला गया गाँव। उस बीच 20 मिनट का सफर लगा, 20 मिनट के बाद जब ये लड़का एटीएम के पास पहुंचा, इस बीच खासकर जो अपराधी था, जो लुटेरे था, वो वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए की निकासी का मैसेज आते ही कमलेश कुमार शाह की नींद और चैन उड़ गई है। इसके बाद जब उनको पता चला, वो आनंद फनन में एटीएम कार्ड को उन्होंने ब्लॉक कराया है। एटीएम गार्ड के द्वारा बताया गया कि मोबाइल उक्त व्यक्ति के द्वारा दे दिया गया है एवं बताया गया है कि एटीएम कार्ड बैंक में जमा कर देंगे। कुछ देर बाद मेरे एटीएम कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से 50,000 रुपए की निकासी हो गई, ऐसा कमलेश कुमार शाह ने प्राथमिकी में बताया है। आइए आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। कमलेश कुमार शाह ने क्या कहा है और उसके पड़ोसी जो महिला है उन्होंने क्या कहा है। काफी दुखद खबर है, जिस तरह से लुटेरे लूट का गैंग बना रहे हैं। आपको बता दें सुधौली पंचायत के उपमुखिया बैद्यनाथ यादव जो है प्रतिनिधि उपमुखिया प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या कहा है, वो काफी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सुरहाचट्टी पर वो बिजनेस करते हैं, व्यवसायियों का चिंता बढ़ गया है। वो बता रहे हैं कि सुरहाचट्टी पर बिजनेस के लिए और खरीदारी के लिए अच्छे अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, डर के मारे कि कहीं लूट ना हो जाए। इससे पहले भी प्रमोद दास की पत्नी के हाथ से 50,000 रुपए लूट लिया गया। तो इस तरह से सुरहाचट्टी क्यों हब बनता जा रहा है, अपराधियों का अड्डा क्यों बनता जा रहा है, इसके ऊपर चिंता व्यक्त किया है बैद्यनाथ यादव ने। आइए आपको पूरा इंटरव्यू और पूरा मामला सुनाते हैं। एटीएम से पैसा निकालने गए थे, 10,000 रुपया निकाले, फिर उसके बाद वो ऑफिसर समझ के हमसे बोला कि तुम्हारा मास्क कहाँ है, बोले मास्क नहीं है, तो बोला मास्क क्यों नहीं पहन के आया, बोले मास्क भूल गए, फिर बोला गार्जियन को बुलाओ, जब तक गार्जियन को बुलाया तब तक फरार हो गया अपना एटीएम लेके। गार्ड के द्वारा मोबाइल हमें प्राप्त हुआ, बस इतना ही हुआ। जब आप पैसा निकाल रहे थे अकेले थे? हाँ, अकेले एक अंदर उपस्थित था, वो आप पैसा निकाल रहे थे? हाँ। अच्छा, दो मशीन वहाँ पे, एक साइड हम निकाले खुद था। कहाँ पर निकालने के लिए गए थे? सुरहाचट्टी एटीएम। कौन सा एटीएम? SBI का। तो वहाँ पर जो मतलब कितने लोगों का भीड़ था वहाँ पर? भीड़ नहीं था, एक हम थे, एक दो नीचे था। कितना बज रहा था? 6:15 शाम में। हाँ। कितना पैसा आप निकालने के लिए गए थे? 10,000 निकालने के। पैसा निकाल लिए थे? हाँ, 10,000 निकाल। पैसा निकालते हुए दिखा था? हाँ, निकाल। तो वो आदमी कहाँ पर था? वो एटीएम के अंदर उपस्थित था। वो भी था? हाँ। अभी थे? वहाँ दो मशीन है, एक बगल वो था, एक बगल हम थे। तो वो कुछ पहन रखा था क्या? हाँ, हेलमेट लगा रखा था। हेलमेट लगा रखा था अंदर में? अंदर में। उसे हम गार्ड को भी आवाज़ दिए हैं अंदर से, पर गार्ड नहीं सुना। एटीएम के अंदर हेलमेट लगा के पहुँचा था? पहुँचा था। हाँ। कैसा लग रहा था, लड़का जैसा या था? करीब 45-50 की एज में था। 45-50 की एज में था। कैसा कपड़ा पहना हुआ था? वो हाफ टी शर्ट था येलो कलर का, और जींस था ब्लैक, बुलेट से आया था और हेलमेट लगा हुआ था। तो मतलब बात करने में कैसा लग रहा था, कि एकदम हाई फाई लग रहा था, गवार जैसा लग रहा था? हाई फाई लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर है। अच्छा। वो हमें ऑफिसर के नाम से धमकाया भी गया और बोला अभिभावक को बुला के लाओ, जब तक आए जब तक वो फरार होगा। एटीएम फोन दोनों जब्त कर लिया आपसे, ले लिया था? हाँ, और मोबाइल के द्वारा, गार्ड के द्वारा हमें मोबाइल मिला। आपका एटीएम ले लिया और मोबाइल ले लिया, और आपको क्या बोला?
आपको क्या बोला? बोला अभिभावक को बुला के लाओ, जब तक आए हैं अपने अभिभावक को बुलाने के लिए, फिर हमें हमारा अभिभावक नहीं मिला है, तो फिर हम टर्निंग में गए रिटर्न होकर, तो गार्ड के द्वारा हमें फ़ोन मिला और गार्ड बोला कि तुम्हारा एटीएम लेके। एटीएम से आपके गांव तक आने में कितना समय लगा? लग गया हमें करीब 15 मिनट लगा। 15 मिनट जाने में और 15 मिनट आने में? नहीं नहीं जाना ना, 15-20 मिनट। 15-20 मिनट हो गया, तो तब तक वो मतलब वहाँ से चला गया था। आपका एटीएम से निकास 50 एटीएम लेके गया था कि एटीएम छोड़ दिया था? एटीएम लेके चला गया। एटीएम लेके चला गया और फिर उसका एटीएम में से कितना पैसा निकाला? 50,000 का, रफीक ज्वेलर से, जो कि हजमा चौराहे के पास। अच्छा, वहाँ से क्या किया है? शॉपिंग किया। शॉपिंग कर लिया है? कहाँ का आदमी है वो? आदमी कहाँ का ये तो नहीं बता सकते हैं। आदमी आपको पता नहीं है? नहीं। तो अखबार में जो और खासकर जो फायर हुआ है उसमें समस्तीपुर का आदमी बता रहा है? हाँ, समस्तीपुर का बोला। तो अभी बोल रहे हैं वो पुलिस खोज किया है, FIR दर्ज करवाए हैं, तो पता चला कि समस्तीपुर का है। समस्तीपुर का है? हाँ। आपको नहीं पता था? नहीं, हमें नहीं पता। ऐसा कभी हुआ था आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपके गाँव में? हमारे गाँव में सुने थे? हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, पहली बार हमारे साथ ऐसा घटना हुआ। तो आपको कब पता चला कि पैसा निकल लिया है? पैसा उसी टाइम पैसा निकल गया जिस टाइम हमारे एटीएम से लिया, आधा घंटा बाद पैसा निकल गया। मैसेज आया था? हाँ। कितना पैसा था उस समय में अकाउंट में? उस समय था 61,000 रुपया था। अच्छा, जिसमें 50,000 का शॉपिंग किया, जब तक अकाउंट ब्लॉक करवाए तब तक 50,000 का शॉपिंग कर लिया। क्या लिया है उसमें? वो ज्वेलर्स में गया। अब ज्वेलर्स में गया होगा, अब क्या लिया ये तो नहीं कह सकते, हम तो देखे नहीं। हमारा मैसेज, हमारे पास मैसेज आया था, हम उसका पीछा किए हैं, जहाँ तक पकड़ा नहीं गया। तो उसके बाद क्या किए फिर आप? फिर क्या किए, फिर तो पुलिस रिपोर्ट किए हैं। कौन से थाना में? एपीएम थाना खोज किया है। केस नंबर कितना है आपका? केस नंबर क्या जी? केस नंबर कितना है? केस नंबर अभी नहीं पता है। थाना में क्या बोला आपको? थाना में बोला है कि फोन करेंगे हम आपको। आनाकानी भी किया वहाँ पर? नहीं, कुछ किया। आवेदन ले लिया? आवेदन लिया। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? मांग यही कहते हैं कि हमारा पैसा वापसी है, कहते हैं कि वापसी पैसा मिले और ऐसे ऐसे घटना को कानूनी सजा दिया जाए। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार सर। गांव मकना। यहाँ हम लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं। हमारा अपना दवा का दुकान है, वाइफ ब्यूटी पार्लर चलाती है। और यहाँ जो अभी का माहौल बना हुआ है उसमें किसको कौन ठग लेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। चूँकि आए दिन, आज से 4-5 दिन पहले मेरे ही वार्ड की एक महिला से 50,000 रुपया ठग लिया गया। परसों एक और महिला से बैंक में, बगल में एक लड़का था, उसका पैसा 50,000 फिर ठग लिया गया है। तो यहाँ तो एक हब बनते जा रहा है लूटपाट का, और किसी भी टाइम कोई अप्रिय घटना भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ ये हो सकता है। तो इस डर सताते रहता है कि कोई आएगा, बंदूक सटा देगा, बोलेगा ऐसे करो ऐसे करो। तो हम सबसे पहले यहाँ के प्रशासन को कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा एक्टिव होकर के, चूँकि हम भी उप मुखिया प्रतिनिधि हैं सिधौली पंचायत से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा प्रशासन को जो है सो अपने तरफ से चुस्त दुरुस्त करें, और ये घटना जो घट रही है उसमें थोड़ा सा कमी लाए। क्योंकि सुरहा चट्टी हमको देखने में लग रहा है कि एक गुंडावाड़ा का गठ बनते जा रहा है, और हम चाहेंगे प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं, बड़े पदाधिकारी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। इससे पहले कभी ऐसा सुरहा चट्टी? इससे पहले सुरहा चट्टी बहुत शांत था। इस तरह का लोगों के साथ घटना हो रहा है उसमें कोई बढ़िया फैमिली से सुरहा आने से डरता है, बोलता है नहीं सुरहा पर ये क्राइम हो जाता है, ये घटना हो जाता है, इसलिए यहाँ जाना सेफ नहीं होगा। तो हम तो बार बार प्रशासन से यही कहेंगे कि थोड़ा सा अपना प्रशासनिक व्यवस्था टाइट करें, और लोगों को जाने आने का, चूंकि सुरहा पर 2-3 ग्राहक सेवा केंद्र है, SBI का बैंक है, ग्रामीण बैंक है, और यहाँ खास करके मूर्ख महिला और मूर्ख आदमी ही गांव घर से आकर के पैसे का लेन देन करते हैं, और मेन सुरहा पर जो गट है वो बैंक का ही गट है और कुछ है नहीं, और उसी से लोग लेन देन करते हैं। उसका पैसा अगर छीना गया, उसका पैसा अगर गायब हो रहा है, तो ये तो उसके बाद हुआ कि वो लोग भी आना छोड़ देंगे, तो सुरहा एक घर द्वार जैसा खंडर हो जाएगा लोगों के लिए। क्या नाम हुआ? बैद्यनाथ यादव, मुखिया प्रतिनिधि सिधौली पंचायत वार्ड 14। साफ तो वह तो भेले कि ATM से पैसा निकाले गए वह ATM छीन लल के कल के हम गार्ड छी माँ से बे पेन के किया नहीं ऑफिसर वह जैसे से छीन लल के ATM आ कल के बाप के बोला के लाबे ले बाप के बोलबे ले लेता ATM लक मोबाइल गार्ड के हाथ के धरा दल के ATM लक भाग दिले ई एत से गेले तामे जैसे से ATM लक पार भ गेले गार्ड से ई मोबाइल लल के गार्ड लक बुझले आ एकरा जैसे से पासबुक एत जे रहे ATM ता बंद करे करे ता पैसा निकाल लल के आ एत से पासबुक लग ले त चौक पर जाके ATM बंद करबे ल के ता 50,000 रुपया निकाल लल के। क्या नाम इस लड़का का जिसका पैसा निकाल लिया? कमलेश। कमलेश क्या साहब? गांव कौन सा है? मखना। आपका नाम? विमला देवी। आपको डर लगता है कि नहीं ऐसे में जब बाजार जाते हैं पैसा निकालने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, डर लगता है कि तो नहीं? माने रहे है, चोर चोटा तो डर नहीं लगता है, चोर चोटा रहते तो केहनो हिम्मत कर आदमी के डर भ जाए,
तो वही के लिए ने डर से माने एटीएम दे दलक आऊ पुलिस दुनिया वाला पकड़ते तो गुंडा के इहे है कि माने मारे के डर है छे तो आदमी एटीएमो दे दे है पैसा रह छे जेबी में सेहो दे दे है मोबाइल मांगे है तो मोबाइलो दे दे है तो ओकरा सरकार ने सजाए करते की करते क्या नाम है।